दोस्तों हमारा जो सेट है वो कंप्लीट हो चुका है, चार कोयल का। तो मैं अब आपको कोयल डालकर बता देता हूँ इसमें। तो हमको सबसे पहले चार पीस बीच में छोड़ देने हैं इस तरह से, एक कोयल। तो इस पे दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात और बता देता हूँ कि इस पर हमको थोड़ा बड़ा पेपर लगाना है ताकि इस पर कोयल आसानी से आ सके ऊपर की ओर। तो मैंने बड़ा पेपर ले लिया है ताकि इस पर कोयल आए तो ये रनिंग के स्टार्टिंग का आपस में ना हो। तो एक दो तीन और चार, चार पीछे बीच में छोड़ देने हैं और इस तरह से डाल देना है कोयल, और इस तरह से झुका देना है ताकि स्टार्टिंग आसानी से आ सके। तो इस पर भी बड़ा पेपर हमको लगाना है, यानी कि इस पर दो कोयल आएगी दोस्तों स्टार्टिंग वाली, तो वो हमको बड़ा पेपर ही लगाना है, इस तरह से झुका देना है ताकि कोयल आसानी से आ सके। तो एक बार आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह से दोनों तरफ इतना इतना हो जाना चाहिए। तो अब मैं पस्त का सिरा साइड में रखता हूँ, ये देखिए। तो अब यहाँ से कोयल उठाएंगे दूसरी और उसी तरीके से डाल देंगे। तो फरमे से कोयल को उतारने से पहले हमको बांध लेना चाहिए ताकि ये अलग अलग वायर ना हो। तो ये हमने दूसरा सेट भी, दूसरी कोयल भी इसमें डाल दी है। उस सीरीज के वायर को घुमा लेना है, लूज नहीं रखना है हमको। और इस पर भी बड़ा पेपर लगेगा दोस्तों, तो इस पर भी हमने बड़ा पेपर लगा दिया है और इस साइड में भी बड़ा पेपर लगेगा। आगे फिर छोटे पेपर लगेंगे, डबल कोयल ऊपर से नहीं आने वाली। ये मैंने बड़ा पेपर इस पर भी लगा दिया है। तो इस कोयल को मैं इस तरह से झुका देता हूँ, देखिए दोनों तरफ से झुका देना है ताकि स्टार्टिंग आसानी से आ सके। अब डालते हैं दोस्तों तीसरी कोयल डालते हैं। तो तीसरी कोयल में उठा लेता हूँ और इसको खोल देता हूँ, यहाँ से जो मैंने वायर लगाए थे उसको मैं खोल देता हूँ। तो ये कोयल हमारी आ चुकी है। तो इस पर हमको छोटे पेपर ही लगा देना है, ज़्यादा लंबा पेपर नहीं लगाना है। तो ये लग गए, अब लगाते हैं साइड से, साइड से डाल देते हैं कोयल को। तो दोस्तों हमारी तीसरी कोयल डल चुकी है, तो हम चौथी कोयल भी डाल देते हैं। चौथी कोयल को उसी तरीके से डालना है जैसे हम डालते आ रहे हैं। दोस्तों हमारी चारों कोयल कंप्लीट हो चुकी है, आपको मैं दिखा देता हूँ दोनों तरफ से। तो ये देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका ऊपर का सेट डाल के फिर स्टार्टिंग का एक सेट आपको और डाल के बताऊँगा, तो नहीं तो कोई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों हमारी जो रनिंग का सेट है वो दोनों डल चुके हैं आमने सामने, चार चार के इसमें सेट हैं। तो अब हम इसमें स्टार्टिंग डालेंगे, तो उसके लिए हमको पहले करना क्या है, नाप लेना है पड़ेगा। तो नाप के लिए हमको पहले स्लॉट से ये दबा लेना है और फिर हम इसमें नाप लेते हैं इस तरह से, पेचकस से हमको दबा ले। तो अब हम इसमें नाप लेते हैं, फिर हम स्टार्टिंग कोयल इसमें बनाते हैं जिसका वायर का गेज है 27 नंबर। तो एक बार नाप ले लेता हूँ दोस्तों। नाप लेने के लिए हमने इस तरह से लिया है नाप, हमको एक दो तीन और चार पीच बीच के अंदर छोड़ देने हैं और फिर स्टार्टिंग इसमें डलेगी। तो यहाँ पर डबल कोयल आएगी और यहाँ पर सिंगल सिंगल, तो चार के इसमें स्टार्टिंग में सेट है। तो इसमें फरमे पे लगा लेते हैं दोस्तों। हमने 27 नंबर वायर लिया है, देखिए। तो हम
कॉइल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको टन कितने लगाने हैं मैं वो बता देता हूँ, 38 टन इसमें हम लगाने हैं, और फिर लगाने हैं दूसरी कॉइल में हमको 50, फिर 120 टन इसमें लगाने हैं। तो चलो कॉइल बनाते हैं। तो इस कॉइल में 38 टन बन गए, ये देखिए 38। तो अब हम दूसरी कॉइल बनाएंगे, तो इसमें लगाने हैं हमको 50 टन। तो दोस्तों इसमें 50 हो गए, इसमें 120 हो गए, तो ये देखिए 120, और अब इसमें भी हमको 120 ही लगाने। तो दोस्तों हमारे चारों कॉइल कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने यहाँ से बांध दिया है ताकि ये वायर बिखरे ना, तो मैं इसे खोल लेता हूँ। तो दोस्तों स्टार्टिंग की कॉइल है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम इसमें वाटर में डालते हैं। तो हमको पेपर पहले दबा लेना है, और मैं पहली कॉइल उठा लेता हूँ। तो इस तरफ मैं फर्स्ट का सिरा रखता हूँ, तो हमको इस तरह से डाल देना है। इस तरह से डालकर दोस्तों इस तरह से हमको डालना होता है, और ऊपर पेपर लगा देना है। तो दोस्तों इस तरह से ये कॉइल डल गई एक साइड से, और दूसरी साइड से भी इस तरह से डाल देना है। अगर दोस्तों वायर बाहर आते हैं तो इस तरह से ले लेना है बांस का कोई टुकड़ा, और उससे इस तरह से अंदर डाल देना है अगर टाइट हो तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो पेपर डाल देना है। तो ये हो गई हमारी एक कोइल कंप्लीट। अब हम उठाते हैं दूसरी कोइल, ये वाली कोइल, ये भी डबल होएगी दोस्तों, यहाँ पर डबल हो जाएगी। तो इसको भी हमको इस तरह से डाल देना, ध्यान रखना है इस साइड ये वायर आना चाहिए। उसी तरीके से पेपर डाल देना। तो एक साइड से उसी तरीके से फिर से डाल देना। पूरे वायर को अंदर डालकर पेपर डाल देना होता है। तो ये वायर पूरी आ गई अंदर, अब हम इस पर पेपर डाल देंगे। तो हमारी स्टार्टिंग भी दूसरी कॉइल डल चुकी है, अब हमको तीसरी कॉइल उठाना है। तीसरी कॉइल उठा के इस तरह से डाल देना, इसको खोल लेते हैं। ये किसी भी कॉइल पे डबल नहीं आएगी, ये तीसरी कॉइल ये खाली पिच के अंदर आएगी। तो जो खाली पिच है उसके अंदर, तो उसी तरीके से पेपर डाल देंगे इसमें।
तो दोस्तों ये तीसरी कॉइल में डाल दिए इस तरह से देखिए, और अब ये चौथी कॉइल लास्ट है, ये भी खाली पिच में जाएगी, इस पर कोई डबल कॉइल नहीं होगी, और इसको भी उसी तरीके से डाल देना है। तो दोस्तों इसको मैं सेट को डालकर स्टार्टिंग कंप्लीट डालकर फिर इसका कनेक्शन बताऊंगा, नहीं तो कोई वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों हमारे चारों कोयल कंप्लीट हो चुकी है एक सेट के अंदर, तो हम सामने भी चार कोयल डालेंगे, तो वो बना लेते हैं। दोस्तों हमको करना क्या है, कनेक्शन करेंगे तो हमको पस्ट का सिरा, ये पस्ट का और इस कोयल का पस्ट का सिरा छोटा से छोटा हमको जोड़ देना है। पहले एक सिलो डाल लेनी है और फिर हम इसको इस तरह से जोड़ देते हैं, फिर इसके दो वायर ही बचेंगी, यानी कि बड़ी वाली कोयल में एक वायर यहाँ पर और एक वायर यहाँ पर, ये बच गया। तो ये तो हो गया रनिंग का, और इसी तरीके से स्टार्टिंग का कनेक्शन करना है। तो ये पस्ट का और ये पस्ट का, तो ये पस्ट का और इस सेट का पस्ट का, तो ये जोड़ देना है, 1 से 3 में इसका कनेक्शन हो जाएगा। तो हम सिलो डाल देते हैं। दोस्तों हमको चाइनीज सिलव नहीं लगानी है, उससे क्या होता है दोस्तों कई बार मोटर उस सिलव की वजह से जल जाती है, तो वो मैं नहीं लगाता हूँ, मैं विगुड़ के लगाता हूँ लास्ट वाली, और मैं इसमें एक थोड़ा तेल का डाल देता हूँ। इस तरह से कनेक्शन कर देते, क्योंकि मैं यहाँ पर वेल्डिंग करता हूँ इसलिए पॉलिश नहीं उतारना, अगर आपके पास नहीं है तो आपको इंसुलेंस उतार के ही इसको मिलाना है। तो ये हमारे पास हो गए 4 वायर, अगर चाहो तो आप 4 वायर बाहर भी निकाल सकते हो और अंदर से भी कॉमन कर सकते हो। तो पहले हमको इस तरह से डाल देना है, ये अभी इस तरह से पेपर लगाना है बीच में, तो यहाँ पर भी मैं लगाता हूँ, पहले मैं यहाँ पर वेल्डिंग कर लेता हूँ। वेल्डिंग करने से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कार्बन बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो दोस्तों हमारी वेल्डिंग हो चुकी है, तो अब मैं इसमें शीट लगाकर इसको कंप्लीट करके फिर कनेक्शन निकाल देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से इसका कनेक्शन होता है, इस तरह से कोयल डाली जाती है, तो आपको वीडियो समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप भी मोटर को वाइंडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।